मेरे गत दिनों कोई 17 तारीख के आसपास रात को मेरे प्लांट की कोई पीवीसी कॉपर वायर केबल जिसकी क्वांटिटी करीब 1200-1300 के आसपास है, 8 बंडल थे बड़े, जो रात को अज्ञात चोर उसको पीछे के रास्ते से उसके टुकड़े करके ले गए। ये कोई 1-2 आदमियों का काम नहीं, कम से कम 4-5 आदमी होंगे और मुझे ऐसा शंका है कि आसपास के ही कोई इलाके के चोर हैं और जिसकी उसमें मेरी लोहे की एंगलें भी है, GI पाइप भी और भी अन्य सामान था जो चोरी हो गया। और मुझे लगता है कि कई दिनों से यहाँ पर चोरी हो रही थी, लेकिन जिस दिन मुझे मेरी प्लांट केबल की जरूरत पड़ी मैं पीछे मेरे आदमी देखने गए तो मालकुन नहीं पाया, तो फिर लोगों ने मुझे बताया तो आशंका कैमरे देख के हमें पता लगा कि चोरी 17 तारीख और 18 तारीख के बीच में ही हुई है। सर आपके पीछे गोदाम में कैमरे भी लग रहे, CCTV कैमरे, उससे कुछ पता चला? नहीं, कैमरे एक्चुअल में 17 तारीख के बाद बंद हो गए, रीजन मुझे पता नहीं कैसे बंद हो गए, लेकिन उसमें कुछ भी पता नहीं लगा। 17 तारीख रिकॉर्डिंग आ रही है, उसके बाद की रिकॉर्डिंग उसमें आ नहीं रही है। मुझे लगता है कम से कम मेरा 5 लाख रुपए का अब तक का माल चोरी हो चुका है। दर्ज करा दिया? हाँ, मैंने आदेश नगर थाने में इसका मुकदमा दर्ज करा दिया, पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है और शंका हमारी यही है कि इसमें आसपास के इलाके का ही चोर है जो जानकार है, हमारे पार्क के बारे में जानता है और पीछे से उसको रास्ते की पूरी नॉलेज है। और जबकि 2 चादरों की दीवार होने के बाद भी चोरी हो गई है, हमारे 2 दीवारें बनी हुई उसके बाद इसमें अंदर आके चोरी हुई है, तो एक इसमें ऐसे ही लगता है कि बहुत जानकार आदमी है जिसने चोरी की है।